नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम की। हम जानने वाले हैं इस मॉड्यूल में कि सोशल मीडिया आपके बिजनेस को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, आप किस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस, लीड जेन, ट्रैफिक और आपके जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आप कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमने इस मॉड्यूल को इस कोर्स में कवर किया है। ओके, सो हम कैलेंडर बनाने का बात कर रहे थे और हम लाइव कैलेंडर बना रहे हैं क्योंकि कंटेंट के बारे में हमने काफ़ी जान लिया है। हमने ये जान लिया है कि कौन कौन सा टाइप ऑफ कॉन्टेंट किस चीज़ के लिए आपको क्रिएट करना है। सो कॉन्टेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, आप सोशल मीडिया में कुछ भी आप कॉन्टेंट डाल रहे हैं, अब वीडियो डाल रहे हैं या फिर इमेज डाल रहे हैं, हमको जानना होगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ वीडियोस बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से इमेजेस डाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ हर एक कंटेंट का एक मार्केटिंग गोल होता है। सवाल है, जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका मकसद क्या है? क्या आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं? क्या आप वीडियो व्यूज़ लाना चाहते हैं? क्या आप शेयर लाना चाहते हैं? क्या आप लीड जनरेट करना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अगर आपको अपना कैलेंडर दिखाऊँ, इफेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये तमाम चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है जिससे आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक कमाल का कैलेंडर बना सकें। सो अगर आप फ्रीलांसर हैं या बिजनेस ओनर हैं तो आपको बिल्कुल अपने कैलेंडर पे आपको काम करना होगा। आप देख सकते हैं ये कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। और मैं अगर दूसरे वीक में जाऊँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो इफ आई क्लिक हियर आप देख सकते हैं कि ये क्या है। सो आप देख सकते हैं ये पोस्ट है जो मैंने डाला था, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं आप, इसका रीपोस्ट आप वापस इसको कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन क्योंकि हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया आपके बिजनेस को एक कमाल का वैल्यू एडिशन कर सकता है। सो कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कुछ कमाल के तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक अच्छा, एक बेटर कॉन्टेंट आप जनरेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम स्लॉट सेटिंग्स कि आपको कब कब क्या क्या कंटेंट कब डालना है, इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचना है, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हम बिल्कुल अपने ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हैं। और हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हम जो भी कॉन्टेंट डालें हमारे कस्टमर्स को, लोगों को उससे प्यार हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स कुछ एक्शन लें, वो लाइक करें, वो कॉमेंट करें, वो शेयर करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अच्छा, अगर मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना है सो हम बिल्कुल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ये काफ़ी कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो है, लाइव अपडेट है। सो अगर मैं इसको क्लिक करूँ सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वीडियो है और 12 लोगों ने करीबन करीब इस पोस्ट को लाइक किया है। स्टैटिस्टिक्स में हम काफ़ी स्टैटिस्टिक्स भी हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना स्टैटिस्टिक्स है, क्या कॉमेंट है, कितना इंगेजमेंट है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो हम काफ़ी सारी डिटेल्स हम बिल्कुल पता लगाने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेशन में कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका गोल क्या हो सकता है, आपको किस तरीके से कंटेंट प्लान करना चाहिए। और आने वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम फनल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वैल्यू एड बिल्कुल करने